जब कोई गरीब बुलाए, मुलाजिम बुलाए, गरीब रिश्तेदार कहे कि हुजूर हमारे घर पे बच्चे की शादी है, न्याज रखी है, आप आएंगे? तो जवाब क्या होता है? नहीं यार, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी हूं, मेरे पास कहाँ टाइम होता है, मैं नहीं आ सकता। और जब कोई अमीर बुलाए, कोई साहिब सरवत बुलाए, तो फौरन पहुंच जाते हैं। क्यों जनाब, ये फर्क क्यों है? अपने दिल से पूछिए। जब कोई अमीर साहिब सरवत बुलाए, मैं पहले पहुंचूं, ना बुलाए तो दिल में गम भी होता है, यार सबको बुलाया मुझे कार्ड नहीं आया कामरान भाई का, सबको बुलाया मैं रह गया, क्यों तकलीफ हुई? सारी दुनिया में और भी जगहों पर गरीबों के महफिल हुई, वहां जाने का टाइम नहीं था, वहां किसी की शादी में नहीं जाते। अपने दिल से पूछे। मैं वल्ला कहता हूं, बड़े बड़े यहां साहिब सरवत बिजनेसमैन बैठे हैं, साहिब इख्तदार बैठे, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, एक बार कभी किसी मुलाजिम के घर चले जाना और उसकी दाल रोटी खा लेना, सारी जिंदगी याद रखेगा कि मेरे साहब मेरे घर आए थे बच्ची की शादी पर, मैं बीमार था, मेरी इयादत के लिए आए थे। अमीर आदमी के घर पे अगर यहाँ मिसाल के तौर पे पैर रखने की जगह नहीं है, 50 आदमी ना आए कामरान भाई को पता भी नहीं चलेगा कि कौन आया कौन नहीं आया, बहुत बड़ा मजमा है। मगर उसके घर पे आप चलकर चले जाओ, वो सारी जिंदगी दुआएं देगा कि मेरी इज्जत रखी, मेरे साहब मेरे घर आए थे। खुदारा दिल जीतना सीखो। ये दुआएं जो होती है ना, ये बंदे के तूफान डाल देती हैं, परेशानियां दूर कर देती हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।